सो गाइस, हमारा आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है सैलून से। और मैं गई थी सैलून में, एक्चुअली में मैंने ना अपने उस पर आदि के बर्थडे पे क्रिम्पिंग करवाई थी, तो इस वजह से जो मेरे हेयर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। डैमेज इन द सेंस कि वो क्रिम्पिंग उतर ही नहीं रही, मैंने इतने वॉश कर लिए फिर भी क्रिम्पिंग मेरी उतर नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो सैलून चलते हैं, सैलून में जाके स्पा करवाते हैं। स्पा करवाने के बाद शायद आई थिंक सो ये उतर जानी चाहिए थी, ये फिर भी इतनी मतलब इतनी ढीठ क्रिम्पिंग है, पता नहीं अभी तक नहीं उतरी है क्या हो, मतलब कौन सी क्रिम्पिंग उसने की है, कौन सा मेरे बालों में स्प्रे लगा दिया कि अभी तक ना मतलब ये क्लियर नहीं हो रही है। और गाइस कभी भी आप लोग भी अगर जैसे कभी क्रिम्पिंग करवाते हो ना, तो हमेशा ये बात याद रखना कि उसको ये बोलो कि जो बिफ़ोर हम स्प्रे करते हैं ना वो ज़रूर अप्लाई करें, कि जिससे क्या है क्रिम्पिंग जब हम वॉश करें तो वो निकल जाए। बट पता नहीं इसने क्या यूज़ करा है क्या नहीं मेरे बालों के साथ, मेरे बाल ख़राब कर दिए। तो इस वजह से ना मैं मतलब सैलून गई थी और सैलून में जाके मैंने करवाया स्पा, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया स्पा करवाने में। आपको भी देखने से लग ही रहा होगा कि कितना इंटरेस्टिंग, कितना मतलब रिलैक्सिंग तो होता ही है। गाइस आज हम निकल पड़े शॉपिंग करने के लिए, और सबसे पहले हमने जो शॉपिंग की है वो हमने की है शिव के लिए, क्योंकि शिव के लिए एक्चुअली में ट्रैक्स जो हैं शिव के बिल्कुल वो हो गए थे पुराने, तो इस वजह से हमने सबसे पहले लिया शिव का ट्रैक सूट। और लेने तो 3-4 थे बट समझ में नहीं आया, फिर मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को भी शीशे में निहार लिया, देखा मैंने अपने आप को कि मैं लग कैसी रही हूँ न्यू कॉर्ड सेट में, और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसका क्रॉप टॉप था और नीचे इसके ट्राउज़र है जो बहुत ही बड़ा प्यारा मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सेठ जी ढूंढते हुए घूम रहे थे कि यार कुछ अच्छा मिल जाए कुछ अच्छा मिल जाए, बट इनको मिल ही नहीं रहा था। शर्टें देखी इतनी ज़्यादा फिर भी पसंद नहीं आ रही थी। हा? देख सकते हो आप, कई देर तक लगे रहेंगे क्या क्या लेंगे। लिया तो बहुत कुछ है, तो आगे आपको वीडियो में दिखने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। हाफ है, फुल है, फुल हो गई सारी, फुल है रेगुलर साइज। शॉपिंग करने आए 2 घंटे हो गए घूमते घूमते, लेने कुछ नहीं करता, बट कलेक्शन आर नाइस, कलेक्शन अच्छा है मेरे घर। आप पहनो तो मैं होती तो अभी तक तो मैं 8-10 शर्टें ले लेती, बट मैं हूँ नहीं अभी तक। सिर्फ हमने लिया शिव के लिए एक ट्रैक सूट, ये अच्छा लग रहा, कपड़ा बड़ा प्यारा यार, चाहे फुल लो तो भी ले लो अच्छा है। डबल एक्सल, पेट ही थोड़ा सा बाहर है बस आपका। कपड़ा बड़ा प्यारा है यार, कपड़ा बड़ा फाइन है, ये देखो ना ये वाला कपड़ा, ऐसा कुछ लो पंकी सा, अच्छा लग रहा है, डेनिम टाइप कुछ ऐसा कुछ है, स्टाइल ऑफ मतलब स्टाइल डेनिम में है कुछ। कपड़े अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा टावल, टावल कपड़ा टावल टाइप है कुछ। जिया जी के लिए देखो, और जिया जी के लिए मिल तो एक्स्ट्रा साइज नहीं है, ब्लैक कलर प्लेन, जिया जी के लिए लेनी तो है ही ना। ये देखो ये अच्छी लग रही है, बट ये मीडियम है, ये भी अच्छे हैं, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज लिखा हुआ पहले एक्सेल बड़ी है, नहीं आएगी आपको आज। मैंने पहना न्यू कॉर्ड सेट, माय न्यू कॉर्ड सेट, आगे को ये प्लेन है सारा सेक्शन। आई एम लुक्स नाइस, ये है एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन, जो एक के साथ एक फ्री होते हैं मैं वैसे ही पसंद नहीं आती है ना, प्राइस की वजह से या वैसे ही नहीं पसंद आती, लेकिन हम ले लेते हैं। हर जो शीशा आ रहा है ये पसंद आई आदि के लिए, बट ये बाय वन गेट वन है तो हम नहीं ले रहे हैं। अगर ये सिंगल प्राइस में होती ना 1200 की बता रहे हैं, उस पर भी आपको 600 की दे रहे हैं, फिर भी लोगों को पसंद नहीं आ रही है देखो, क्योंकि क्वालिटी हल्की है तभी हम मतलब बाय वन गेट वन में सेल कर रहे हैं। बट इट्स नाइस यार, इट्स बहुत अच्छा फैब्रिक है, मुझे ये अच्छी लग रही है आदि के लिए, देखो एक बार, बहुत अच्छा फैब्रिक है, वेरी नाइस। चूज़ो, हाँ
ये ले लो आधी के लिए, डन है। चलो गाइस अब ये मैंने ले ली भाई, कर लिए फाइनल, ये तो मैं लेके ही जाऊँगी, जैसे भी लेके जाऊँगी लेके जाऊँगी। ये वन वन तो नहीं है, है नहीं है। अच्छा नहीं, ये टायर लगा नहीं है। अच्छा ये बाय वन गेट वन नहीं है गाइस, ये पूरी है। ये पूरे रेट में जो मुझे पसंद आई वो पूरे रेट में है। चलो कोई बात नहीं, पूरे रेट में भी ले लेंगे, नो मैटर्स। अच्छा इधर से उठाइए, ये ग्रीन ही दिखाती हूँ भी आपको, ये यहाँ से उठी है इधर से, है ना। तो फिर भी हम ये लेंगे क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी लग रही है ये। अस्वीकरण, ओह अस्वीकरण है, ठीक है चलो। नाइस है, नाइस, नॉट बैड। सो आई वॉन्ट टू परचेज दिस, मुझे लेनी है, बहुत अच्छी लग रही है। गाइज मैं यहाँ पे थक के बैठ गई हूँ बिल्कुल, देखो मेरे दो दाने भी निकल गए हैं और इनकी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही थी, मेरे तो पैर एकदम टूट गए, इतनी डर डर के इन्होंने शॉपिंग कर ली है। देखो आप आगे आपको दिखने वाली है, इसमें एल नहीं है, एल है, हाँ तो निकालो ना फिर, ठीक है ओके डन है, एकदम अच्छा लग रहा है, ओके है बिल्कुल ओके। क्या वो गंदा है? कोई नहीं मैं धो दूंगी, कोई नहीं अब ले लो आप, अगर बिना लिए गए ना और घर जाके रोए तो मारूंगी। वो नहीं है जो ट्रैक्स आते हैं बॉयज के, टी शर्ट एंड लोअर। फाइनली एक दो तीन और चार, अजय इतनी देर कोई कैसे लगा सकता है, इतनी देर में तो मैं आधी दुकान खरीद लूँ आलसी, तभी तो औरतों करके चल रही दुनिया। आधी मिनट थक गए बेचारे, जल्दी ले लो फटाफट, हम तो यार जल्दी ले लेते हैं लेडीज लोग तो फटाफट, चटपट चटपट, एक दो एक दो एक दो, इसलिए लेडीज करके सारे बाजार चलते हैं, आदमी उतर के नहीं चलते हैं, घर ले जाके चेंज कराने की, पागल हूँ मैं, ताने मारते रहोगे, छोटी रहेगी बच जाएगी यार, हाँ पेट में रह जाएगी, पेट निकल रहा ना आजकल लुगाई में, ये निकला हुआ देखो, छोटी एल लिखा हुआ है पर फिर भी एल लिखने से क्या है, फिर भी एम साइज है वो, चोर साइज है छोटा, मुश्किल है बड़ी मुश्किल, टिंग 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 टिंग। सही है सही है सही है सही है सही है, ये भी अच्छा लग रहा है प्रिंट पीछे वाला, बस रियोन ना हो, रियोन हो तो मत लेना बस, ये नहीं आपको 40 लेनी है लेकिन नॉट टू, पकड़ो अभी पहन के, ये गलत काम है अंग प्रदर्शन करते हुए ट्रायल रूम होने के बाद भी ये लोग बाहर गंद मचा रहे हैं, नहीं 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 लूज है सर, नहीं अच्छी लग रही, दिखाओ आपको टाइट नहीं होनी चाहिए बस, बढ़िया लग रही है, सही जा रहा लड़के, बढ़िया फर्स्ट क्लास। इसमें पता कैसे लग रहे हो, आदमखोर के जमाने के पुराने तो बड़ा गंदा लग रहा, ची 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 ची, इट्स नाइस, फंकी सा लग रहा है, बढ़िया चलो डन डन डन। इतने सारे कपड़े गाइस, इतना कंफ्यूज हो रहे थे ना, मतलब थोड़ी सी शर्टें पसंद करने में आदमी इतना कैसे कंफ्यूज हो सकता है, कह रहे कि ना यार ये कैसी लग रही है कैसी लग रही है, मैंने कहा पूरी जेठा वाली लग रही है,
और ये फ्लावर वाली देख रहे थे बड़ी देर, तीन चार बार उन्होंने देखा यार ये वैसे ट्रैक्स नहीं है जो आजकल ट्रैक्स आते हैं निक्कर वाले ये वो, तो मैंने कहा आते तो हैं बट ये ऐसा लग रहा है जैसे गोवा पहन के जानी हो हम, क्या गोवा जाने वाले हैं, तो अरे अभी नहीं बट वैसे अच्छी लग रही है, प्रिंट अलग से लग रहे हैं। मैं कहा हाँ अगर वहाँ दुकान पर पहन के जाओगे ना कुछ ज़्यादा ही अलग लगोगे। गाइस इतनी सारी शर्टों में ना बंदा वैसे ही नॉर्मल देखो तो कंफ्यूज भी हो जाता है, और उन्होंने इतना ऊपर चढ़ा के लगा रखे थे टंबर पे कि आधे तो कपड़े समझ में आ रहे थे आधे नहीं आ रहे थे। एक्चुअली में ना रियॉन जो स्टफ़ होता है ना वो वन वॉश के बाद ही ना थोड़ा डल हो जाता है, या तो वो टाइट हो जाएगा या बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाता है, इसलिए फिर रियॉन का मैंने इनको बोला कि रियॉन तो लेना ही मत, क्योंकि जैसे अब कुर्तीज़ वगैरह भी हम लेते हैं और शर्ट के फैब्रिक तो इतने हल्के हैं कि मतलब जैसे अगर मार्केट वगैरह में देखो ना तो सेलों में मिल रहे होते हैं ये, और यही ये लोग बेचते रहेंगे हज़ार हज़ार रुपए की शर्टें यहाँ लगा देते हैं। बट ठीक था चलो ऑलमोस्ट जो जो हमने लिए हैं वो सारी चीज़ें अच्छी हैं अभी तो, बाकी घर जाके देखेंगे अभी बच्चों को क्या क्या चीज़ें मतलब कंफर्टेबिलिटी से आ जाती हैं नहीं आती हैं, क्योंकि आदि के लिए भी मैंने ट्राउज़र लिया है और शर्ट टी शर्ट ली है और शिव के लिए भी ट्रैक सूट लिया है, और इन्होंने खूब सारी शर्टें ली थी, शर्टें मुझे और भी अच्छी लग रही थी। बट क्या था ना कि मतलब मार्केट में मुझे मतलब वैसा जैसा मेरे को टेस्ट चाहिए था ना वैसा को टेस्ट समझ में आया नहीं, फिर इनको ये ब्लू वाली एक शर्ट कह रहे थे कि ये अच्छी लग रही है, तो मैंने इनको कहा हाँ ठीक है मतलब अच्छी तो लग रही है बट फिर स्टफ़ देख लेना, अगर स्टफ़ अच्छा ना हो तो फिर मत लेना। फिर एक ही मैंने स्ट्राइप्स वाली ना एक भैया ने ली तो मुझे दूर से ना अच्छी लगी है देखने में, तो मैंने इनको बोला मैंने कहा ये वाली ट्राई करो, क्योंकि एक्चुअली में ना ये मतलब मैंने उनके हाथ में देखी ना तो बहुत अच्छी लग रही थी बट इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। अब भाई ये जो चीज़ हमें पसंद आती है उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं होता, तो और जो चीज़ नहीं पसंद आती उसमें साइज़ होता है, ऐसा काम होता है जैसे अगर हम मॉल वगैरह में शॉपिंग करते हैं कई बार, फिर ये कह रहे थे हम आपको अरेंज करवा देंगे आप कल ले लेना या फिर आप मतलब हमें ऑर्डर दे दो, आप एडवांस दे दो हम डिलीवर करवा देंगे। बट मैंने कहा नहीं डिलीवर कराने वाला काम थोड़ा सा वैसा होता है, अब यहाँ हम परचेज़ कर लें वो एक बात ही अलग होती है। फिर इन्होंने ये वाली शर्ट देखी तो ये वाली शर्ट तो ले ली, ये दोनों की दोनों शर्टें ले ली, इनको पसंद आ गई थी बहुत ज़्यादा तो मुझे भी देखने में अच्छी लगी, तो मैंने कहा यार दोनों शर्ट तो बिल्कुल डन है। शर्टें बहुत सारी ली हैं, टी शर्ट्स ली हैं बहुत सारी, और मतलब ऑलमोस्ट जितना स्टफ़ है सारा अच्छा है, बाकी अब जो पहनेंगे दो चार बार तब पता लगेगा। अब जीन्स लेनी है, तीन चार जीन्स लेनी है, कह रहे हैं तीन चार, मैं कह रहे जीन्स कितनी लेनी है, कह रहे चार, तो मैंने कहा चलो ले पहले एक तो लो, मैं कहा धीरे धीरे करके लेते हैं एक दो दो करके। नीचे बिल कराने इतना सारा सामान इसमें मेरा एक भी नहीं है, क्या है मेरा क्या नहीं, नो। अब मैं जा रही हूँ बिल करवाने के लिए अकेले, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा, बर्ती बासी बैंड बजाई है मेरी, इतना अत्याचारी पति दुष्ट ब्राह्मण कपड़े लिए अपने बच्चों के, मेरा एक भी नहीं है इसमें, याद रखूंगी मैं एक भी नहीं है मेरा। टी-शर्ट बच्चों के लिए लेनी ना, मैं तो ठीक है लेनी बच्चों के लिए थी, ठीक है लेने खुद आ गए अपनी। चलो अभी ले लिए हैं हमने बहुत सारे कपड़े, अब हम जा रहे हैं बिल करवाने, बिल करवा के फिर निकलते हैं बाहर एक्सप्लोर। बैग ही होती है आजकल, फ्रंट पे नहीं होता, लोग पीछे से देखते हैं। गाइज यहाँ पे हम देख रहे हैं शिव के लिए टी शर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन था बहुत ही ज़्यादा प्यारा, तो अभी हमने एक टी शर्ट कन्फर्म की है, फिर मैंने कहा एक देख लेते हैं दो देख लेते हैं, फिर तीन चार हमने टी शर्ट्स कर ली सेलेक्ट फाइनल करके, ट्रैक भी ले लिया था और टी शर्ट्स भी लेनी थी तो ये वाली टी शर्ट भी फाइनल कर ली है, और जो ये पैरेट वाली के हाथ में ये भी फाइनल की है और एक और फाइनल की है, ऊपर से दो और ली हैं, मतलब पांच छह टी शर्ट्स यहाँ से हमने कलेक्ट कर ली थी। तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा जो कलेक्शन हमने की बार देखा है आपको दिखाया है। वैसे तो मैं ये शॉपिंग कम ही दिखाना पसंद करती हूँ बट लेकिन अब की बार हम गए थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं इसको भी आपको दिखा देते हैं, और अगर आपको अच्छी लगे थोड़ी बहुत भी तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और गर्मियाँ आ रही हैं तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी टी शर्ट्स हैं, बहुत अच्छा स्टफ था, थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है बट ठीक है चलो एक बार इन्वेस्टमेंट है भाई आगे के लिए चल जाती हैं, खूब अच्छी मतलब लॉन्ग लास्टिंग है।
अब बिल करवा रहे हैं, मोटे मोटे बिल। घड़ी में बज गए हैं 7:45 और मेरा फास्ट खुलने का टाइम हो चुका है। बाहर ही खाऊंगी टिक्की। यार बाहर भी तो फास्ट का मिलता है सर? यहाँ पे फास्ट का भी तो कुछ मिलता होगा खाने का। मैं डिनर कह रही हूँ, डिनर फास्ट का जैसे होता है, जैसे टिक्की वगैरह है बिना प्याज लहसुन का। हाँ चलो कोई नहीं, घर जाके बनाएंगे फिर खाएंगे। हमारा बिल हो चुका है। क्या टेंशन निकल बढ़ रही है? सो गाइस आज हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारी आ रही है वेडिंग एनिवर्सरी, तो हम गए थे शादी के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है हमारी एनिवर्सरी पे आने के लिए। ठीक है, तो आज हो गई है, क्या डेट हो गई आज? आज 13 जा चुकी है। ठीक है, और दीदी आने वाले हैं। दीदी अभी फिलहाल गए हुए खाटू श्याम जी। गाइस एक्चुअली में पता क्या ओरियो का ना, मैंने हेयर कट करवा दिया है, क्योंकि रीज़न ये था कि मैं इसका वैसे ग्रूमिंग मतलब नॉर्मल नेल कट वगैरह कराने के लिए गई थी, बट मैं वहाँ गई ना तो इसके ना बालों में ना गांठे हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप इसकी गांठे ना मतलब वैसे तो मतलब निकल नहीं पाएंगी, इसकी कंघी नहीं हो पाएगी, आपको ना इसका हेयर कट करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाई चांस अगर किसी दिन इसने मतलब खुजली वगैरह की और उसमें नेल अटक गया तो खाल मतलब इनकी स्किन होती है नेल्स के अंदर, तो खाल समेत नेल निकल जाएगा, तो फिर इसलिए आपको इसका हेयर कट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैंने इसका हेयर कट करवा दिया। मैंने इसका हेयर कट करवाया था अपने बर्थडे से एक दिन पहले 3 तारीख को, और आज 13 जा चुके, 10 दिन हो गए हैं, बट ये ना अभी भी ना वो है मतलब सदमे में हो गया, जैसे क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं वो हो गया डिप्रेशन। ओके हाँ, इनको ना डिप्रेशन हो जाता है, तो ये डिप्रेशन में अभी फ़िलहाल डिप्रेशन में है, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कैसे नॉर्मल होगा, आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट कर देना। तो अभी देखते हैं 1-2 दिन में और ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इसकी बुआ आने वाली है तो बुआ को देख के हो सकता है चेयर अप हो जाए। फूफा जी आने वाले हैं, कल इसके फूफा जी आ जाएंगे, फिर बुआ जी आ जाएगी, फिर मौज मस्ती होने वाली है घर के अंदर, खूब ज़्यादा गप्पे शप्पे होंगे। ठीक है, तो बच्चे देखो कल आते हैं, परसों आते हैं, परले दिन आते हैं, एक्चुअली में वो अभी गुड़गांव है, गुड़गांव से फिर यहाँ आएंगे घर पर, फिर हम करेंगे हमारे आगे के प्लान्स क्या होंगे आपसे डिस्कस। तो गाइज़ मैंने आपको अपनी जो ड्रेस थी आप देख चुके हो मेरी, मैंने आपको दिखा दी थी जब हम गए थे ड्रेस लेने के लिए, तो मैंने आज ये वाला कॉर्ड सेट डाला है, मतलब ये मैं लेके आई थी, मतलब जब भी मैं लाती हूँ ना तो मैं 1-2 दिन बाद ही पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा नए कपड़े रखने की आदत नहीं है, उनको पुराना करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपने देख लिया हमारी जो भी शॉपिंग थी, अभी फ़िलहाल के लिए आज की यही शॉपिंग है, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या मतलब आगे हम करने वाले हैं, क्या क्या होगा। जा रहे हो क्या? आ रहे हो? अभी हम आए हैं शॉपिंग करके। देखा तुमने? अभी हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। हाँ ये नए हैं, ये भी नए हैं, ये भी नए हैं। यार मम्मा जब देखते हो आप नए कपड़े, आप नए कपड़े पहन के रखो। मैं इसी हूँ बेटा। क्या कह दिया तुमने यार मम्मी ने? हाँ दिल की बात। क्या कह दिया? दिल की बात जो बाप पे आ गई। पापा कई देर से बोल रहे थे, मुझे ताने मार रहे थे। जब देखो तो रोज के नए कपड़े पहनती रहती है। सही तो कह रहे थे। सही तो कह रहे थे। ये लेकिन मेरे यहाँ पे इतने कपड़े हैं। तो लड़कियों को होती कपड़े बहुत ज्यादा। नीचे की एक पूरी पूरा फ्लोर भर रखा है नीचे का, एक कमरा पूरा। एक कमरा बेड में भी रखे है। अच्छा, दो दीवान में रखे है, दो दो दीवान होते है ना वो, उनमें भी रखे। 6 अलमारी में मेरा सामान है, और ड्रेसिंग टेबल तो मम्मी की है, उसके अंदर लिपस्टिक, नेल पेंट। नेल पेंट देखता हूँ, इतनी सारी नेल पेंट दिखवा सकता हूँ? किसकी? आपकी। मेरी 100? हाँ हाँ होंगी 100। 100 से ऊपर होंगी? हाँ, तो बेटा हर कलर के कई कलर होते हैं ना। 150 कलर होते हैं? मतलब एक कलर के कई कलर होते हैं, मुझे भी ये तब पता लगा जब नेल पेंट जाके देखी मैंने। एक ही कलर में ही ना कम से कम 10-12 कलर होते हैं, लाइट डार्क ये वो अनाप शनाप कलर। अब ये वाला पिंक है, ठीक है, फिर इसके बाद कोई और दूसरा पिंक भी होता है, अलग अलग मतलब अलग 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 कलर होते हैं, बट मुझे भी नहीं पता था, हमें पढ़ाए जाते थे कि सिर्फ इतने कलर होते हैं, लाल पीला नीला हरा काला सफ़ेद, ये कलर होते हैं, बट लाइट ग्रे डार्क ग्रे है और फोन कलर तो है। हाँ
तभी तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन मम्मा मैं आपको ना आपके कपड़े 150 से ज्यादा गिनवा सकता हूँ। बेटा मेरे 365 से ज्यादा है। 150 भी कम बोल दिए। 365 से भी ज्यादा है मेरे पास। ठीक है तो हाँ तो फिर तेरी बीवी आएगी ना तो उसके लिए भी तो मुझे इंतजाम करके रखना ना। पहले ही पहले मैं पहन के देखूंगी कौन से अच्छे हैं। कुछ भी। फिर उसके लिए अच्छी अच्छी ड्रेस लेके आया करूंगी। नहीं नहीं आप पे इतने कपड़े पड़े हैं। अच्छा आप चाहे पूरे साल पहन लो ना तो भी दूसरे का नंबर नहीं आएगा। हाँ। तो लड़कियां ऐसी होती हैं। आपको कपड़े भी धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई धोने तो पड़ती है कपड़े। कपड़े साइड में रख देना। कपड़े तो धोने पड़ेंगे। बदबू मारेंगे। मेरे पसीने में बदबू थोड़ी आती है कोई। मैं आधी हूँ क्या? तो फिर भी कपड़े पड़े रहेंगे पूरे दिन तो बात नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे। गाइस ये हमारा बिल जो हमने की थी शॉपिंग। सॉरी ये तो संभाल के रखना पड़ेगा। ये इतना लंबा बिल था। इतनी सारी शर्टें पैंटें ले आए हैं और टी शर्ट्स ले आए हैं बच्चों की भी। ठीक है सो आपको देखने को मिल ही गई हैं। हमने देख ही ली हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें शॉपिंग की है। ठीक है अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, नहीं अच्छी लगेगी तो भी बता देना। चलो गाइस इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को एंड। अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गुड नाइट।